ये देखिए गाइस, मेरी मासी जी की तेज रफ्तार। देखिए मासी जी रेस लगाते हुए। इस उम्र में भी इनको इतना जज्बा है कि हौसला बुलंद है इनका। गाइस, मैं और मासी जी घास काटने जा रहे हैं पहाड़ी पे। हिमाचल में पहाड़ियों का घास काटा जाता है इस सीजन में। बहुत दूर आना पड़ रहा है हमको। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं घास काटने पहाड़ी में। वहाँ ऊपर पहाड़ियों पे घास काटने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पहाड़ों में इस सीज़न में जो हो घास काटा जाता है। ये देखिए खतरनाक चट्टानों से चढ़ते हुए मासी जी। बहुत पहाड़ी पे जाना पड़ेगा हमको। बहुत ही खतरनाक रास्ता है। गांव की बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ होती है। बहुत दूर आ गए हैं अभी हमें और चढ़ना है। गाइस, हम वहाँ रोड से चढ़ रहे हैं। यहाँ तक चढ़ाई चढ़ी है, अभी तक हमें वहाँ जाना है ऊपर। देखिए गाइस कितना कठिन रास्ता है। यहाँ से गट्ठा लेके जाएंगे हम नीचे। सीधा ही देखिए कितने चट्टान है नीचे की तरफ। यहाँ से हम आए हैं यहाँ पहाड़ी पे घास लेने। अब यहाँ पे हम घास काटेंगे। ये मैंने काट लिया हुआ है, कल काटा था यहाँ पे। गाइस, धूप काफ़ी बढ़ चुकी है, पसीना आ रहा है। अब हम घर वापस चले जाएंगे। यहाँ से घास काटना शुरू किया था, ये सारा यहाँ तक काट लिया है, वहाँ से शुरू किया था। अब गैस घास जो है ये घास का ढेर लग चुका है, इसका गट्ठा बांधूंगा अभी मैं। तो गाइस, मासी जी ने भी घास काट लिया है, अब हम गट्ठा बांधेंगे। पर मासी के यहाँ से आने के लिए रास्ता थोड़ा बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो मासी जी यहाँ से थोड़ा नीचे मेरी ज़मीन में फेंक देंगे घास, फिर यहाँ से थोड़ा रास्ता अच्छा है। छूट मासी आहो, ये थोड़ा जोर ला। ऐसे पहाड़ों में काम होता है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जो हमारी हालत होती है। हाँ जी, ए न पौधी नाल की जी, देखिए मासी की ताकत। 60 साल की उम्र में देखिए कैसी इनकी ताकत है भाई। गांव का दूध ही खाते हैं ये, देसी चीज़ें खाते हैं। हो तेरे मत्थे जो बिंद लू लाना गोरिए, हो लाना गोरिए नूर पूरे दिए खत रेटिए। ओ तेरे मत्थे थे जो बिंदड़ू आधिया पुलिया आधे पुले। आ दो ये ओ यंगे दो आ जा बले बले हो। बहुत बुरा हाल है गाइस, ये मेरा गट्ठा है, ये मैं गट्ठा काट के लेके आया हूँ ऊपर पहाड़ी से। अभी तक ये नीचे उतरना है, वो नीचे रोड तक पहुँचना है हमें। कम से कम गाइस इसका भार जो होगा वो 80 से 90 किलो के बीच है। सांस फूल गई है मेरी। देखिए गाइस कैसे मासी जी कठिन संकरे रास्तों से आती हुई। बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ है हमारे गांव वालों की। यहां से देखिए अगर पैर फिसल जाए तो सीधी खाई नीचे, वो सीधा रोड में पहुंच जाएगा बंदा।
बहुत ही डिफिकल्ट रास्ता। इस टाइम तो हम वैसे ही पूरी तरह से थक चुके हैं, घास काट के हम थक चुके हैं। अब रोड तक पहुंचना है, फिर जाके पानी का वहाँ पे झरना है, वहाँ पानी पियेंगे। अब थोड़ा हम प्लेन में आ गए हैं, थोड़ा रास्ता ठीक आ गया है। मैंने यहाँ अपना गट्ठा उतारा है, वो मासी जी पीछे आ रहे हैं। मेरी वीडियो शूट करने वाला कोई है नहीं है, इसीलिए मैं मासी की वीडियो शूट कर रहा हूँ कि आपको दिखा पाऊँ कि कैसे कैसे हम आ रहे हैं। वो बहुत दूर हम पहाड़ी से आए हैं ऊपर से, अभी रोड थोड़ा और बचता है। अभी तक रोड हमारा ये नीचे है, अभी यहाँ उतरेंगे हम। ये देखिए गाइस आ चुकी है मासी जी, अब यहाँ पे पानी पियेंगे। पूरा शिव जी अगर नहीं लोंदी छुट दे थल्ले ही जाएंगे हम। मासी जी का डांस, मासी खुश खुश नजर आ रहे हैं, गाना गा रही है। मासी की 60 साल की बूढ़ी देख लो घास लेके आ रही है। अरे बनानी एक करनी है सब नहीं। आओ की अखी खाने आ लिया देगी हम अपने फ्रिज के घर जलेबियां नसीबियां दी आस नाइस की हां फ्रिज जन नाइस यहाँ नीचे से मैंने गट्ठे की एक एक पुली जो वो ऊपर फेंक दी है। अब यहाँ पे इसको जो मैं बिखेर दूंगा। बाकी भी आ गए घास लेके। ये चाचा जी का लड़का और उनकी बहू। नहा धो के हो गए फ्रेश, अब खा लेते हैं खाना। रोटी में बना है चावल, धुली मूंगी